हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे हेयर केयर पर। जी हाँ, ये आपकी डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉनसून सीजन अभी अभी होके निकला है, जिसने कि हमारे जो बाल हैं, मोस्टली जितनी गर्ल्स वुमेन हैं, सबके बाल जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं ड्यू टू मॉनसून सीजन। उनको बेजान बना दिया है, रफ बना दिया है, फुल ऑफ डैंड्रफ बना दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये मॉनसून सीजन के होते हुए भी अपने जो बाल हैं उनकी केयर कैसे की है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स की मेरी जो शाइनिंग है वो वैसी की वैसी है। मैंने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं यूज़ किया है, सब कुछ होम रेमेडीज़ है। घर में रहते हुए ही मैंने जो अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर की है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह अपने बालों को स्मूथ, शाइनियर और स्ट्रॉन्ग बनाया है। और सबसे बड़ी बात कि डैंड्रफ बिल्कुल नहीं है मेरे बालों में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। साथ ही साथ मैं आपको बीच में कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो स्ट्रॉन्ग और डैंड्रफ फ्री बन जाएंगे, विद बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हेयर खुद दिखाऊंगी कि मैंने मेरे हेयर का जो बोल सकते हैं कि टेक्स्चर है वो किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक साल पहले जो है स्मूथिंग करवाई थी। जी हाँ, मेरे जो हेयर हैं उन पे केमिकल्स लग चुके हैं। मैंने एक साल पहले स्मूथिंग प्लस हाइलाइट्स करवाए थे, और हाइलाइट्स के बाद मैंने सुना है कि कहीं बोलते हैं कि 2-3 महीने बाद जो मेरे बाल हैं वो झाड़ू बन गए, ये हो गया, फलान हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप अपने हेयर की केयर कीजिए, सो दैट आपके जो बाल हैं वैसे रहे या बोल सकते हैं उससे भी अच्छे दिखें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग है मेरे हेयर में, और बहुत ज़्यादा स्मूथ और बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हेयर है मेरे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का क्या राज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वो रूटीन फॉलो करेंगे जो मैं करती हूँ जब भी मैंने अपना हेड वॉश करना होता है, अपने बाल धोने होते हैं। उससे एक दिन पहले मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं बताती हूँ कि मैं अपना हेड वॉश करने के एक दिन पहले क्या रूटीन फॉलो करती हूँ, और ये मैं हर बार करती हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार जो है अपने हेयर को वॉश करती हूँ, और उसके लिए मुझे पहले क्या करना होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जब हेड वॉश करना है उसके एक रात पहले हमने बालों में ऑयलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑयलिंग के लिए MSG का आयुर्वेदिक ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा से कोई भी ऑयल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो केमिकल फ्री हो। तो हमने क्या करना है, जो ऑयल है उसको अच्छे से अपने बालों पर लगाना है। सबसे पहले हमने कॉम कर लेनी है अपने बालों में, तो सो दैट जो भी अड़चने वगैरह हो सारी निकल जाएँ। तो हमें अच्छे से कॉम करने के बाद अपने जो तेल है उसको लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो तेल है उनको हमने पार्ट्स में लगाना है। हमारे जो हेयर होंगे उनके सिर्फ रूट्स जो हैं, रूट्स में ही वो ऑयल लगेगा। हमने ज़्यादा तेल को वेस्ट नहीं करना है कि इधर उधर लगा के, तो हमने सिर्फ रूट्स में इस तेल को यूज़ करना है। तो हम पार्टीशन कर कर के अच्छे से जो रूट्स में ऑयल को लगा लेंगे, और साथ साथ मसाज भी करते जाएंगे। दोस्तों, मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाज से ही हमारे जो भी डेड पॉइंट्स होते हैं वो दोबारा से ग्रो करने लगते हैं, और जितने भी हमारी डेड स्किन होती है हमारे हेड की वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो मजबूत बनते हैं और डैंड्रफ वगैरह से भी राहत मिलती है हमें। तो मसाज ज़रूर करनी है, और अच्छे से जो है हमने ऑयलिंग कर लेनी है। और दोस्तों, मैं कोई भी जो केमिकल वाला ऑयल होता है या कोई कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा आयुर्वेदिक चीज़ ही प्रेफर करती हूँ, नेचुरल होती है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो। क्यों? क्योंकि केमिकल्स ज़्यादा अगर हम अपने हेयर पे लगाएंगे तो डेफ़िनेटली हमारा हेयर फॉल होगा और डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप भी कोशिश करें कि जो मैंने ऑयल लिया है अगर आपको वो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल ले सकते हैं।
मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मसाज करते करते आगे बढ़ेंगे और हमें अपने बैक हिस्सा, हमारे हेड का जो बैक हिस्सा है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहीं से हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो हमने पिछला हिस्सा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उससे भी अच्छी तरह से मसाज करनी है उस हिस्से में। और दोस्तों अच्छे से मसाज करते करते हमने जो भी हमारा ऑयल होगा उसको अच्छे से हमने लगा लेना है, और उसके बाद हमने बालों को कॉम बिल्कुल नहीं करना है। और अगर तेल आपका बच जाता है, मैंने तो कटोरी में लिया था इसलिए जो तेल बच गया मैंने उसमें क्या है, जो मेरे टिप्स थी वहाँ पे, जो मेरे हेयर के टिप्स थी वहाँ पे मैंने जो ऑयल है उसको अप्लाई कर लिया है। दोस्तों देखिए मैं इस तरह से मसाज कर रही हूँ, आप भी यही स्टेप फॉलो करना, आपको बहुत अच्छी राहत भी मिलेगी और आपके हेयर जो है वो भी बहुत हेल्दी फील करेंगे। तो इस तरह से पिंच करते करते मैं मसाज कर रही हूँ और प्रेशर दे रही हूँ मैं, एक्यूप्रेशर भी बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। तो ये देखिए मैंने टिप्स पे जो ऑयल है वो लगा लिया है, जो रूखे बाल होते हैं इससे हेल्दी हो जाते हैं और रूखापन दूर हो जाता है अगर हम ऑयलिंग करते हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि ऑयलिंग छोड़ो, ऑयलिंग नहीं करते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और दोस्तों कॉम्ब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना मसाज के बाद, सिर्फ हमने सिंपली इसको टाई कर लेना है अपने बालों को। अगर आप चाहें तो आप बन बना सकते हैं या फिर आप पोनी भी कर सकते हैं, और टाई करने के बाद बस आपने अच्छी स्लीप लेनी है। और दोस्तों अगली सुबह जब हम उठेंगे तो उसके लिए हमने मास्क रेडी किया है। तो मास्क कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, प्याज का रस हम यूज़ करेंगे। उसके लिए प्याज कटोरी और एक मैशर चाहिए, अच्छे से मैश कर लेंगे प्याज को ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए। उसके बाद हम अच्छे से उसका जो जूस है उसको निकाल लेंगे, हमें सिर्फ जूस की ज़रूरत है दोस्तों, हमें इसके जो फ़ाइबर है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे वो लेके आएंगे उस जूस को, और कॉटन की हेल्प से हम जूस को अप्लाई करेंगे अपने बालों में। तो जो हमने रात को बाल टाई किए थे उसको हम खोल लेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल नहीं है, सारा एब्जॉर्ब हो गया है। तो हमने अपने बालों को ओपन किया और वैसे ही जिस तरह हमने ऑयल लगाया था वैसे ही हम इसको जूस को लगाएंगे। ये आप मास्क का काम करेगा, ऑयल जो होता है बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। जो अनियन है उसमें सल्फ़र भरपूर मात्रा में होता है, तो सल्फ़र जो है हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वो हेयर को थिक बनाता है और जो हेयर प्रॉब्लम्स है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और शाइनिंग भी बनी रहती है हेयर में। साथ साथ क्या है, जो अनियन जूस है उससे सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो कॉलेजन है हमारी बॉडी में जो चाहिए उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे कि हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं बहुत हेल्दी रहते हैं और हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो अनियन जूस बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत अच्छा मास्क है और इसे ज़रूर लगाएं, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी आपकी हेयर के रिलेटेड। तो हमने अच्छे से मसाज करते करते ऑयल लगा लेना है। आप चाहे तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले ही लगा लीजिए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मैं उनकी मदद ज़रूर लूँगी, वैसे भी मेरी बहुत ही मदद करते रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं उनको डायरेक्शन दे रही हूँ वे वैसे वैसे मेरे जो जूस है उसको लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जूस को लगाना है अपने बालों पे अच्छे से, और जो बैक साइड है बालों की वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, आगे आगे कुछ भी ऑयल हो या फिर जूस हो लगा लेती हैं मास्क वगैरह, तो बैक साइड भूल जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जितना हमें आगे स्कैल्प में ज़रूरत है ऑयल की या मास्क की, उतनी हमें बैक साइड में भी ज़रूरत होती है। तो पूरे हेड पे हमने लगाना है मास्क को, ये बहुत ही असरदार नुस्खा है दोस्तों, ज़रूर करना इसको अप्लाई, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों बस इसको अब हमने 2 घंटे के लिए रखना है, मैं आपको बोल रही हूँ 2 घंटे में ज़रूर रखना है, 2 घंटे से पहले अगर आपने वॉश कर दिया तो इतना रिज़ल्ट नहीं आएगा, 2 घंटे तो आपने रखना ही रखना है आपको। तो बस अब मैंने टाई कर लिया है और 2 घंटे बाद मैं हेड जो है उसको वॉश कर लूँगी। और दोस्तों मैं अब हेड वॉश कर आई हूँ, आप देख सकते हैं मेरे अच्छे
अच्छे से हेड वॉश हो गया है। हाँ, अनियन की स्मेल जो है ना वो शायद आप ना जाए एक दो घंटा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हमें हेयर जो है वो अपने अच्छे चाहिए। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितने स्मूद और शाइनी बाल हो चुके हैं मेरे। मैंने कोई आर्टिफिशियल मास्क वगैरह यूज़ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रूटीन जिससे कि आपके जो बाल हैं बिल्कुल मेरी तरह स्मूद एंड शाइनियर हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। हाँ दोस्तों, एक बात और कि स्मूदिंग करवाते टाइम मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई ये हुआ कि मेरे जो बाल थे, स्मूदिंग नहीं हम बोलेंगे कि हाइलाइट्स करवाने के बाद, मैंने पहले वर्जन मेरे हेयर थे, मैंने कभी कलर नहीं किया था, और हाइलाइट्स करवाने के बाद मेरे जो बाल हैं वो ग्रे होने स्टार्ट हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने यही रूटीन फॉलो की जिससे कि मेरे बाल जो हैं फिर से ब्लैक होने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ग्रे बाल होंगे जो मेरे इस टाइम स्कैल्प में होंगे। तो आप भी इस रूटीन को फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी बाल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, शाइनियर और हेल्दी हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। थैंक्स।